देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है। हिंदू संगठन कह रहा फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर पता करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा, मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। लगेगा तब ना देखिएगा, लगेगा ही नहीं। अच्छा, अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है। भाई मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना, वही गोला में भेज देंगे जो गोला से वो आया। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे भाई। बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लेके आओ। शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये गिनवाइयो भाई। बाथरूम बनवाया, बाथरूम। अच्छा, कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा। एक प्रधानमंत्री आया जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ, जनधन योजना। अच्छा, उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500-500 रुपए जमा करो। पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती। हाँ, पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया, बोले नहीं। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? बताइए, मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। महंगाई नहीं है, नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। जी अगर महंगाई होती हाँ। तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते भैया। देखो वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए, मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, विरोध कर रहे हैं, सच्चा करता हूँ। तो पठान बुर्ज खलीफा पे पहुँच गई है, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान, ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले मोदी इधर देखो मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना। आपको जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का? अच्छा, आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, हाँ। गरीब हैं, जो गरीब होता, जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हम तपस्वी हैं, अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा? बताइए, तपस्वी हैं इनमें भैया। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो भाई मैं तो कहता हूँ सुनो, पुजारियों का, जिन पुजारियों का अपमान किया बोलने दोगे? बताऊँ भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? मीडिया को कोस रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मीडिया पे, फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान, नाम बताओ। आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब, जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ कौन से हैं, नाम बताओ, जितने भी, मैं क्या भाई, जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों दिन कर। नेशनल मीडिया का बताओ नाम है, कौन लो, नाम लो, उसको देख लो, सच्ची है सारे वो है, पंडित जी, पंडित जी हो भाई। अच्छा, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ, 99% तो पंडित जी है मीडिया में। अच्छा, पंडित जी हैं, तो सुधीर को देख लो, रजत को देख लो, रजत शर्मा बोलो ना पूरा। भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, समझ, अनपढ़ तो हो नहीं, जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से, पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो, चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद बोलो, बोलो, हिम्मत है तो बोलो, बलात्कारी है, 10-10 बलात्कार करता है, बलात्कार करता है, बोलो बोलो, मनोज मित्तल मुर्दाबाद बोलो, हिम्मत है तो।
बोलो बोलो आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, आईटी सेल के दलाल, आईटी सेल के दलाल तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाई मैं नहीं कर, मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको भाई? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको भाई? कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर भाई, मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार चाहिए, मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा सूखी रोटी दे दें, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को, राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहे? छोड़ो मोदी को, कर रहे 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना खान गैंग छोड़ दिए क्या? अच्छा हम खान गैंग में थे, हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब नहीं। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे भाई। बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। किसको? विदेशों में टंका बज रहा, बिना काम के टंका बज रहा है, उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? अच्छा 5 ट्रिमलर अर्थव्यवस्था हो गई तो यार नहीं हुई। सौ स्मार्ट सिटी, कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो भैया, राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है, राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं, अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीब वाले, है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये, गिनवाइयो भाई। बाथरूम बनवाया, बाथरूम? अच्छा कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, एक प्रधानमंत्री आया जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ, रुक जाओ, क्या जनधन योजना? अच्छा उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500 रुपए जमा करो, पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोले नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किस गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है, गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। रामराज फिर से आएगा, वापसी नहीं आएगा रामराज? काजू भुने प्लेट में बिक्सी ग्लास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया रामराज आ जाएगा ना, मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा नहीं जानोगे आप भैया? कश्मीर फाइल हिट करवाई बोल रहे हैं, वो देखो किसने फिट करवाई, बीजेपी वाले। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए राम राज्य में आपको आनंद नहीं आता? मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी हो दलाली, छोड़ दो पत्रकार बन जाओगे। प्रधानमंत्री की ताकत है, देश का जो फिल्म बना रहे हैं उसका खलीफा में ट्रेलर चल रहा है।
प्रधानमंत्री की ताकत है ना ये सर। अच्छा दुबई का प्रधानमंत्री कौन है? दुबई की थोड़ी कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं। अच्छा अरे भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया? अरे महाराज हमें ले चलो दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। अरे शाहरुख खान की टेरर रिलीज हुआ है। अरे भैया दुबई में तो उसकी पहले से इज्जत है, दुबई में तो उसकी बहुत इज्जत है, भारत में कहाँ इज्जत है? भारत में अच्छा जिसके बताओ भारत का है वो, और विदेशों में जिसकी इज्जत है उसकी भारत में इज्जत नहीं होगी? पार्लियामेंट बन गया कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पठान का टेलर चलेगा क्या? मोदी जी का भी फोटो लगना चाहिए भाई। बहुत मोदी जी का क्यों लगना चाहिए? अच्छा भाई देखो, जब उसका जन्मदिन होता है शाहरुख खान का, तब भी उसका लगता है 7 सेकंड का, वहाँ पे 10 लाख से ऊपर का चार्ज है 7 सेकंड का। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे कोई फैन नहीं है, हमारा सनातन फैन है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हमारा फैन है गरीब, हमारा फैन है बेरोजगार, हमारा फैन है किसान। अरे भगवा पहन के आप बात कर रहे हैं, भगवा का जब अपमान होता है तब तो आप शाहरुख खान के साथ खड़े थे। कितने बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोग। वो भगवा है, वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है, भगवा आग है। मतलब शाहरुख खान को बचा रहे हैं आप? वो भगवा नहीं, वो ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ भाई वो ऑरेंज कलर है, आप लोग उसे भगवा की संज्ञा मत दो। अगर आप भगवा का अपमान करोगे ना तो कितना पैसा मिला शाहरुख खान से? अच्छा आईटी सेल वालों ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ आने के लिए? शाहरुख खान कितना? आईटी सेल वालों ने आपको कितना दिया है? मोदी जी ने आपको कितना दिया है? अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है? क्या लग रहा है कितना दिया होगा आईडिया को? आइडिया लेकर आप लोग आते हो आइडिया, हम बताएंगे? हम तो कहते हैं हमें किसी ने नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। और आप लोग भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो या नहीं करते हो? अरे हिंदू संगठन कह रहा फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर तय करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा मोर्चा क्या लेना? मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। आप तब ना देखिएगा लगेगा ही नहीं। अच्छा अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग? अमित शाह का जो पत्रकार मजाक उड़ा रहा है ना, सबका चैनल देख रहे हैं, याद रखना। आज तो आ गए क्यों? प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है भाई। मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना उई गोला में भेज देंगे जुई गोला से वो आया। भैया हमें अपने प्रशासन पे, अपने अमित शाह जी पे विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने होगा, क्योंकि वहाँ ट्रेलर चल रहा है। कहाँ पे खलीफा? क्यों विरोध होगा वहाँ पे? विरोध हुआ? कुछ नहीं विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पे नफरती चिंटू विरोध कर रहे हैं बस, और कोई विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, गाली देने तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश का रक्षा मंत्री कौन है? कौन है? राजनाथ। आपको अनुराग खान बताया जा रहा है, अनुराग खान। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, देश के जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको गाली दिए जाती है, मैं तो गरीबों का, बेरोजगारों का, जो महिलाओं अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठा दो। मुझे गाली कोई दे रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं तो सनातनी हूँ। खान लोग लिख रहे हैं आपको।